दी लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बाहर नहीं निकल रही हूँ मैं भी आजकल, रोड पे बहुत कम लोग हैं। जब ये इन्फेक्शन शुरू हुआ था तब लोगों ने काफी जल्दबाजी में शॉपिंग की थी, लेकिन अभी ठीक है। पिछले 15 दिनों से मैं भी घर पर ही हूँ। कई लोगों को लेकिन अनपेड लीव पर भेज दिया गया है जो लोग जॉब करते हैं। यहाँ पे मैं एनर्जी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी जो यूनिवर्सिटी है TU बर्लिन, वो पब्लिक है। यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आपको काम भी करना ज़रूरी होता है, इसलिए कई स्टूडेंट्स अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं। ये सब आपको खुद से करना होता है, इसमें यूनिवर्सिटी कोई मदद नहीं करती। तो मैं भी स्टूडेंट्स जो हैं बाकी उनकी तरह हफ्ते के 20 घंटे काम करती हूँ। हर घंटे के हिसाब से हम लोगों को पैसे मिलते हैं। इस वक्त मेरी जॉब तो है, मेरे पास एक कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। मैं घर से काम कर रही हूँ, उन्होंने अलाउ कर दिया है हमें। इसे एक तरह से आप इंटर्नशिप कह सकते हैं, जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, जैसे फ्रीलांसर्स जो हैं, जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं, रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, जितनी एशियन दुकानें हैं वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है। उनके पास सामान है पूरा, फिर भी लोग खरीदने नहीं जा रहे हैं। ये बायस तो है लोगों के भीतर। इसकी वजह से उन लोगों का बिजनेस जो है ऐसी दुकानों का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। रही बात मेरी, तो मैं तो 15 दिन में एक बार बाहर निकलती हूँ और सब्जियाँ वगैरह खरीद लेती हूँ। दाल चावल यहाँ पे बना करके खाना आसान रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कभी कभी मन होता है तो सलाद और पास्ता खा लिया। पहले हफ्ते में एक आध बार बाहर जा कर के खा लेते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। हमारे फ्लोर पे कुल जमा 7 लोग हैं, कभी कभार दिख जाते हैं, वरना मैं तो अपने रूम में ही बंद रहती हूँ। इससे भी असर पड़ा ही है। लोग कह रहे हैं कि मिड अप्रैल तक शायद चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी। वहीं उस दिन किसी और से बात हुई थी, वो कह रहा था कि मई तक भी जा सकता है ऐसा लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ें। इस मामले में बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ ना ज़्यादा टेंशन देती है। जर्मनी में ऐसा है कि यहाँ की पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, उनकी है, तो उन पर असर पड़ा है। उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ लाना, सामान भिजवाना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे जो लॉकडाउन और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, उससे सबसे ज़्यादा असर जिन पर पड़ा है वो बेघर लोग हैं। उनके लिए जाने को भी कोई जगह नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही लोग हुए हैं। घर से दूर हूँ मैं, मम्मी पापा को टेंशन तो होती ही है। कभी ज़्यादा मन खराब होता है तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ उनको। मेरी बहन भी इंडिया में रहती है, जब हम दोनों खाली होते हैं ना तो ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, साथ में बैठते हैं और ऑनलाइन मूवीज या फिर सीरीज देखने बैठ जाते हैं। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लनटॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लनटॉप।